कि दलितों, वंचितों, शोषितों के यशस्वी नेता परमादरणीय डॉक्टर उदित राज जी आज के इस समारोह के संयोजन के लिए और इसके लिए ये समारोह इतना सफल हुआ है, हमारे युवा साथी श्री परमिंदर जी, हाजी अहमद साहब और इस मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य मित्रगण, भाइयों, बहनों, साथी, मुझे देश और दुनिया में कई सम्मेलनों में, संगठनों में जाने का मौका मिला, लेकिन आज का ये सम्मेलन, आज की ये संगोष्ठी एक ऐसी संगोष्ठी है, एक ऐसी सभा है जो भारत के स्वर्णिम भविष्य को सिंचित करने की दिशा में एक साहसिक प्रयास है। उदित राज जी ने शुरू में ही बड़ा स्पष्ट कहा और उनका ये विचार और उनका ये उद्देश्य कि भारत को अगर एक रखना है, समृद्ध भारत होना है, भारत के उन्नयन में चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शासकीय रूप से, राजनीतिक रूप से, तो जो वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी सरकार में, समाज में और सभी जगहों में जहां निर्णय होते हैं जिससे भारत का विकास तय होता है, वहां पर उनका उनका स्थान श्रेष्ठ होना चाहिए, उनका स्थान तय होना चाहिए और उस अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में राजनीतिक परिदृश्य लक्षित होता है। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उदित राज जी का स्पष्ट आदेश है कि आप वो बोलें जो आप इस परिसंघ के दिशा निर्देश के बारे में सोचते हैं, ताकि उस सोच से आने वाले समय में एक ऐसा प्रकाश निकले जिस प्रकाश में भारत के इन सारे वर्गों का स्वर्णिम भविष्य तय होता। बंधुओं, मैं बौद्धावलंबी और बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते बड़ी बात साफ रूप से करना चाहता हूँ कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए होता है। उदित राज ने बड़ा साफ कहा कि इधर उधर की बातों में बिल्कुल नहीं जाइए, और भगवान बुद्ध ने तो बड़ा साफ कहा, नहीं परेशम मिलो मानी, नहीं परेशम कथाकथन। वो दूसरे कर रहे हैं उनकी बात छोड़ो, आप स्वयं क्या कर सकते हो इस बात को सोचो। हमें सोचना ये है कि हमारा भविष्य कैसे हो, हमें सोचना ये है कि सरकार में और समाज में हमें सर्वोच्च हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। हिस्सेदारियां मिलती रही है, सरकार बनाते रहे हैं, नौकरियां मिलती रही है, सवाल इस बात का है कि क्या हम मिलते रहने से संतुष्ट रहेंगे या हम उस शिखर पर भी जाएंगे जिसके सपने भारत के संविधान में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। हम उस संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही अपना भविष्य चाहते हैं और वो भविष्य स्वर्णिम भविष्य होगा, क्योंकि इन वर्ग हमारे वर्गों के स्वर्णिम भविष्य से ही भारत का भविष्य न केवल भारत में पूरी दुनिया में तय होगा। इसलिए मेरा इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारी जानना है और ये सोच है कि इसे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, मैं तो ये भी कहूँगा कि स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी रूपरेखा तय की जाए, क्योंकि बहुत बुद्ध की तो बहुत अच्छी शुरू में ही है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये संघ बना है, ये संघ और परिसंघ केवल एक स्थान तक सीमित न रहे, मैं तो ये चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी रूपरेखा तय हो, क्योंकि दुनिया में लोग जाने यह संगठन क्या कर रहा है। विचार कहीं से भी बनता हो उस पर सरकार पर प्रभाव पड़ता है, देश पर प्रभाव पड़ता है, और आने वाले समय में हमारे जो नीतियाँ होंगी उसका परिष्कार होगा, उसका उन्नयन होगा। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आसान काम नहीं है,
इसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और बाबा साहब ने तो साफ ही कहा था कि बिना मांगे हुए कुछ मिलेगा नहीं। उन्हीं के प्रेरणा से उदितराज जी आज हमें ये बताते हैं और पूरे जीवन भर, और मेरे ख्याल से जब तक ये रहेंगे हमारे बीच में, उसी दिशा में काम करेंगे। बाबा साहब की प्रेरणा से ही उनका ये उद्बोधन आज भी हुआ, होते रहेगा। और हमें कार्यवाही जो हमें करेंगे, हम समाज के लिए जो दिशा निर्धारित करेंगे, उसमें भी उसी रूप में, उसी परिप्रेक्ष्य में इनका दिशा निर्देश मिलेगा। मैं भगवान बुद्ध की उस उपदेश को उद्धृत करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा, सुतरानी असाधुनी अत्तनो अहितानी च पंते हितश्च साधुश्च तमरे परम दुखरम। कोई भी बड़ा काम उसके लिए दुख सहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इन बातों के साथ मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ और अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ कि जो भी दिशा निर्देश उदित राज जी का होगा, हम उसका पूरी तरह अच्छा सा परिपालन करेंगे, अनुपालन देंगे और भविष्य में जो भी कार्यान्वयन होगा हम कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं उनको बताया, अभी भी उन्होंने कहा कि ज़्यादा देश विदेश विदेश में घूमने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी मैं आग्रह करूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन को आगे बढ़ाने में अगर कोई मेरी भूमिका होगी तो हम उस भूमिका के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ भवतु भीम भारतम साधु साधु साधु।